टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो स्वागत है भाई एपिसोड नंबर 3, जो कि भाई बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और सिनेमैटिक कुछ ही समय में स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम टायर इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि आपको बैकग्राउंड में अभी दिख रहा होगा, ब्लर टायर इंस्टॉल होगा। सामने के मडगार्ड हम ऊपर कर रहे हैं और इसमें क्या लग रहा है, हमारा लग रहा है फॉग लाइट। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में काफ़ी मज़े आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब सामने का हमारा लगभग बाइक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब से सारा इंस्टॉलेशन का आपको वीडियो में दिखाता हूँ थोड़ी देर से। तब तक आप एक सिनेमैटिक इन्जॉय करो, क्योंकि जो लोग बोल रहे थे GT 650 पहले जैसा कर लो, क्योंकि उस टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था यार। अब धीरे धीरे बाइक का लुक आने लगा है, तो अब देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बस पीछे का अभी हमारे पास नहीं आया है सामान, वो भी आएगा तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सिनेमैटिक इन्जॉय करो 3, 2, 1। बट उसके भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाकी सब बढ़िया है, तो फटाक से चलते हैं भाई, सिनेमैटिक आपको दिखाते हैं। 3, 2, 1 गो। गाइस, तो भाई सिनेमैटिक कैसा लगा आपको देखने में, मज़ा आया? तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तुम्हारे कैमरामैन भैया आ जाए उस थोड़ा सामने साइड इस साइड। तो ऑलराइट, तो हमने सबसे पहले यहाँ टायर डलवाया है, तो ये हमने डलवाया है रैल्को के, जो आते हैं ऑफ रोड टायर, ऑफ रोड सेक्शन। तो ये इसका है मतलब 100/90/18, जो कि स्टॉक आता है हमारा GT या इंटरसेप्टर में 100/90/18। तो ये उसी में ऑफ रोड वर्जन है, ताकि ऑफ रोडिंग के लिए ये मैंने इंस्टॉल किया था, पर्पस यही था ऑफ रोड पर। लेकिन अभी मैं रोड पर भी चला रहा हूँ ना, तो ग्रिप मुझे अच्छी मिल रही है और इसके जो ब्लॉक्स हैं ना वो और काफ़ी अच्छे हैं, ऑफ रोड में काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो ये हमने पूरा इंस्टॉल कराया है, घर के सामने ही आया था, इसको लगाया हमने और फिर हमने मड गार्ड को रेस किया। इधर आके थोड़ा और पास से दिखा सकते हो, तो आप ये मड गार्ड देख रहे हो, तो मड गार्ड इसी का है, GT का ही। तो इसको हमने काट दिया था और इसको हमने यहाँ पीछे लगा दिया है, बट रेडिएटर ग्रिल अब खाली हो गया, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पीछे जैसे इसका ये तो अडेप्टर है ही, तो इसमें हम यहाँ पीछे लगा के उसको सेट कर सकते हैं। मड गार्ड हमने लगा दिया है ऊपर, टायर भी हमारा लग चुका है, और अब देखो भाई गाड़ी का क्या लुक आ रहा है। बट अब देखो भाई, पूरा आ गया मोटोक्रॉस का फील है ना, पूरा ऑफ रोड, पूरे ब्लॉक वाले टायर। अभी एक सेकंड लाइट ऑन करता हूँ, ये देखो भाई, अब बताओ कैसी लग रही है भाई। अभी फ्रंट का और भी थोड़ा काम है, और भी अभी हैंडल में वो लगेगा हमारे गार्ड्स वगैरह, तो और प्रॉपर लुक आ जाएगा अच्छा। बाकी आप लुक तो देख ही रहे हो ना, और मैं यहाँ फॉग लाइट भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे माउंट लगा दिया मैंने, ये पड़ी है, इसको सेट कर रहा हूँ। और आपको एक और चीज़, मैं एक अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, वो है ये है हमारे टायर के स्टिकर, जो हमारे लगिंग साइड में लगते हैं। तो इट्स बेसिकली अ रबर, और इसके साथ हमको ग्लू मिला है, तो इसको साइड में लगाना है। तो ये हमारा बैरल एग्जॉस्ट की तरफ से है टायर स्टिकर्स, तो इसको लगाएंगे तो फिर और ही OP लुक आएगा पूरी बाइक का।
तो फटाफट इसको भी इंस्टॉल करते हैं। और फिर बात आती है हमारी भाई फॉग लाइट के ऊपर, तो फॉग लाइट ये हमारी ऑटो फाई की है, तो इसके लिए भी हमने काफ़ी तामझाम किया है कि इसका भी स्विच हमने पूरी लाइटनिंग खुद से ही मैंने की घर पे, ताकि गाड़ी ऑन करे और ताकि हमको DRL भी चालू रहे। DRL का भी यहाँ से मैंने स्विच दे दिया था, तो इससे यहाँ से लाइट भी चालू हो जाती है स्विच से बंद, और यहाँ फॉग लाइट भी लाइट से बटन से चालू हो जाता है। तो ये पूरी वायरिंग सेटअप किया है मैंने, और तो ये है ऑटो फाई की है फॉग लाइट। तो डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ मैं लगाया हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये इंस्टॉल आराम से कर सकते हो। तो अभी जो ओवरऑल लुक आ रहा है बाइक का और जैसी खड़ी है वो आप बता के दिखाओ। तो भाई कुछ बाइक अभी ऐसी लग रही है धमाल सी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। बस अभी पीछे का सेक्शन हमारा पूरा बचा हुआ है, पीछे की सीट हमारे आने वाली है जो कि बस आ ही गई होगी, घर तक जाऊंगा तो मुझे शायद आ जाएगा क्योंकि DTDC वालों का कॉल आ गया था। प्लस पीछे का टायर, आगे का पूरा भी ऑफ रोड सेटअप हो गया, फिर भी 90% हुआ है, 10% अभी और हमारा हैंड गार्ड वगैरह लगने वाले हैं तो उससे और अच्छा लुक आ जाएगा। बस पीछे का हमको टायर ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि R18 मिलना ही मुश्किल है, और उसमें भी मैं ऑफ रोड और डुअल पर्पज़ टायर देख रहा हूँ, तो स्कॉर्पियन ट्रेल वगैरह ये सब जो कुछ कुछ हैं जो बाहर मिलते हैं इंडिया में भी नहीं मिलते, तो वो कम से कम 20-22 हज़ार के टायर है, तो उतना इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सस्ता सुंदर जुगाड़ कुछ देखना पड़ेगा। रालको का एक आता है स्पीड ब्लास्टर, बट वो डालने का मन नहीं है, फिर भी देखते हैं, अगर नहीं होगा तो वही डालना पड़ेगा, नहीं तो। और 2-in-1 एग्जॉस्ट भी कई लोग कह रहे हैं कि 2-in-2-1 वाला लगाना, तो वो भी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। और भी कई मॉडिफिकेशंस चल रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, सारी चीज़ इंस्टॉल होके आपको मैंने दिखा दी है। तो वीडियो अगर आपको देखने में मज़ा आया हो तो पा ही गया, आपको तो पता ही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कंप्लीट होगी फिर तो भाई ऑफ रोडिंग टूरिंग सारी चीज़ कर देंगे। गाड़ी तो लगभग रेडी हो गई है कोई भी ट्रेल्स के लिए, तो सिनेमैटिक भी कैसा लगा वो भी देख के ज़रूर बताना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तब तक मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड में, episode number 4 में। तब तक के लिए दिस इज़ मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। Sister.